अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के बिस्किट्स जिसका नाम है कॉइन बिस्किट्स। ये स्मॉल बिस्किट्स होते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं क्रिस्पी से। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें हैं 3/4 कप फ्लोर, 5 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर, 2 एग्स, 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1/2 टी स्पून वनीला एसेंस और 1 पिंच ऑफ येलो फूड कलर। यहाँ मैंने ड्राई कलर लिया है, आप चाहें तो इसमें आप लिक्विड कलर भी डाल सकते हैं। अब हम इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ्लोर में बेकिंग पाउडर जो हमने 1/2 टी स्पून लिया है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपनी बेकिंग स्टार्ट करने से पहले जब आप इसकी प्रिपरेशन रेडी कर रहे हो तब आप सबसे पहले अपना ओवन प्रीहीट कर लीजिएगा। उसको प्रीहीट करने के लिए आपने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन करना है क्योंकि इसकी बेकिंग भी हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे। ये छोटे बिस्किट्स होते हैं इसलिए 180 डिग्री पर नहीं बल्कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसकी बेकिंग करेंगे और प्रीहीट करने के लिए भी हम ओवन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन करके छोड़ देंगे। सबसे पहले आप एक बाउल में दोनों एग्स लें और इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करें। आप चाहें तो आप इसे विस्कर की मदद से भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बीट कर लें, थोड़ा सा बीट करने के बाद अब आप इसमें 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करें। पाउडर शुगर मैंने ली है और अगेन इसको अच्छी तरह से बीट करें। इसमें आप पाउडर शुगर यूज़ कीजिएगा, रेगुलर शुगर नहीं, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसे अगेन अच्छी तरह से बीट कर लें। जी ये हमारा बैटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पर अब आप इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर दें और अगेन इसे अच्छी तरह से बीट करें। यहाँ तक बीटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अभी हमारा बैटर बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब इस स्टेज पर आप इसमें अ पिंच ऑफ येलो फूड कलर ऐड करें और साथ ही इसमें फ्लोर जिसके अंदर हमने पहले ही बेकिंग पाउडर मिक्स कर लिया था उसको ऐड कर लें और इसको अब अगेन हल्का सा मिक्स करें। फ्लोर डालकर आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना बल्कि इतना मिक्स करना है कि बस आपका फ्लोर इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आई है। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, अब हम इसके कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब यहाँ मैंने पाइपिंग बैग लिया है जिसके आगे मैंने राउंड शेप की नोज़ल लगा दी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप सिंपल अपने पाइपिंग बैग को आगे से कट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपना सारा बैटर शिफ्ट कर देंगे। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो जस्ट आप उसको आगे से सीज़र की मदद से आप उसे हल्का सा कट कर दें ताकि आपके राउंड बिस्किट्स निकल आएँ। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने अपनी बेकिंग ट्रे ली है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है और साथ मैंने इसके अंदर बटर पेपर भी लगा दिया है। अब आप इसके अंदर अपने पाइपिंग बैग की मदद से छोटे छोटे से कॉइन बिस्किट्स आप इसमें बनाएंगे। ये देखें, बहुत बड़े नहीं बनाने क्योंकि कॉइन बिस्किट का साइज थोड़ा छोटा होता है। थोड़े से गैप के साथ बनाएं क्योंकि ये थोड़े से जब बेक होंगे तो फैलेंगे और आपस में चिपक ना जाएं। ये देखें इस तरह से आप इतने साइज के इसके अंदर बिस्किट्स पाइप आउट करते जाएं। जी व्यूअर्स, इस तरह करके मैंने अपने सारे पाइप्ड आउट कर लिए हैं कॉइन बिस्किट, इस तरह गैप के साथ हमने रखने हैं। अब हम इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे
और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आफ्टर 20 मिनट्स हमारे कॉर्न बिस्किट्स रेडी हैं। मैंने इसको ओवन में से बाहर निकाल लिया है। अभी ये थोड़े से गर्म है, थोड़ी देर इसको आप बाहर शेल्फ पे ठंडा होने के लिए रखें, उसके बाद आप इसे ट्रे में से बाहर निकालिएगा और फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से कॉर्न बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी बने हैं थोड़े से बैटर के साथ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये देखें कॉर्न बिस्किट्स रेडी हो जाते हैं। बेकरीज पर आप जाएं तो ये बॉक्सेस में आपको मिलते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसको किसी एयर टाइट जार में डालकर रख सकते हैं और वन बाइट बिस्किट है ये, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ दो बातों का इसमें ख्याल रखिएगा कि इसमें बेकिंग में इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखना, उसको प्री हीट करते हुए भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है और बेकिंग टाइम भी इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। और दूसरी मेन बात यह है कि जब आप इसे पाइप आउट करेंगे अपने बेकिंग ट्रे में तो आपने इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं, बल्कि जैसे ही पाइप आउट करेंगे वैसे ही आपने अपनी ट्रे को ओवन में रख देना है ताकि इनकी शेप ना ख़राब हो। और बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।